हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन कैसे हैं आप लोग तो कुछ टाइम पहले मैंने एक डिजाइन कॉम्पिटेशन पार्ट लिया था जिसका थीम था हार्मनी इज लव हारमोनी इज अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जिसके अंदर एलिमेंट्स एक लॉजिकल प्रोग्रेशन में या रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे के साथ जैसे कि स्केल हो गया या साइज हो गया या डायरेक्शन हो गया सो आई थॉट ऑफ यूजिंग लाइन एंड सर्कल एज माई एलिमेंट इन माई कंपोजिशन जिसके अंदर मैंने लाइन एंड सर्कल को एज एलिमेंट यूज़ करा है और लाइन्स को मैं एज आ गोल्डन रेशियो उसको कर्व बेंड कर रहा हूँ और मैं सर्कल्स को उसके हिसाब से डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं अलग अलग कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ मुझे मेरे कंपोजिशन के अंदर रिदम चाहिए था जैसे कि स्केल वे में फॉर्म चेंज हो रहा हो तो मैं लाइन को एज स्केल फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ ये फाइनल कंपोजिशन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और मुझे काफ़ी सुथिंग लगा फिर मैंने इसका एक वर्जन बनाया जिसके अंदर मैं गोल्डन रेशियो के हिसाब से इसकी पोजिशन प्लेस कर रहा हूँ ताकि मैं उसको डिजिटली डिजाइन कर सकूँ इस कंपोजिशन में मेरा मतलब था कि एक रिधम से एक एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट होगा रैंडमनेस है रिदम हमारे लाइफ को डिफाइन करेगा जो एक कंटिन्यूस वे में एक टाइम पीरियड के हिसाब से चलती रहती है वाइल्ड uh, जो लव है वो एक इमोशनल फॉर्म है एक रैंडमनेस फॉर्म है जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटीग्रेटेड है लेट अस नो अबाउट हारमोनी ऑफ कलर्स हारमनी ऑफ कलर्स जो होता है वो कलर्स का रिलेशन होता है कलर व्हील के ऊपर कलर पैलेट के ऊपर वो किस हिसाब से कितने दूरी पे अरेंज है किस तरीके से मुझे मेरे कंपोजिशन के अंदर नेचुरल थीम लेनी थी इसलिए मैंने लश ग्रीन ओपन स्काई और ड्राई डेट का कलर पैलेट लिया तो ये कलर पैलेट में स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री की कैटेगरी में आता है अब मैंने अपना एक कलर पैलेट क्रिएट करा कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर सकता हूँ इन पर्टिकुलर इमेजरी से देन मैंने कंपोजिशन को अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करा और उसका एक पेज लेआउट बनाया और फिर उसके बाद मैंने अपना उसका कलर पे कंपोजिशन देना चालू करा मैंने धीरे धीरे एलिमेंट्स ऐड करे और एक कंपोजिशन रेडी करा दिस वॉज द फाइनल कंपोजिशन बट इट फेल्ट लिटल बोरिंग मुझे इसके अंदर और रैंडमनेस चाहिए थी और एलिमेंट डायनामिक हो इंटरेक्टिंग हो ऐसे चाहिए थे जैसे कि लैंड सैंड एयर स्काई जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो उनका प्रोपोर्शन रिलेश रिलेट कर रहा हो या डायनामिज्म आ रहा हो उनकी कंपोजिशन सेन बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड मुझे मोर सोफिस्टिकेशन चाहिए था अपने डिज़ाइन के अंदर तो मैंने सेम लाइन के रिदमिक पैटर्न को यूज़ करा कि एक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हुए और फिर उसके अंदर मैंने एक स्ट्रोक uh, लिया uh, जिससे जो लाइफ के अंदर एक इमोशंस डिफाइन करता है एक रैंडम एलिमेंट जो है पूरी कंटिन्यूटी के अंदर कंपोज हुआ है और रेड जो है वो उसका लव है उसका इमोशन है दस मैंने एक और कंपोजिशन क्रिएट करा दिस वॉज दिस वॉज माई फाइनल कंपोजिशन और मैं इससे सैटिस्फाइड था Thank you.